एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट में बाद में बात। सर इस बार शो की रेटिंग बहुत कम आई है। ओहो ये क्या हो गया यार, ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो शो में तहलका मचाए, रेटिंग को मेरे कदमों में लटा दे। सर अब वक्त आ गया है तो उसको बुला लिया जाए। किसको? वो जिसको सारी दुनिया को सलाम करना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम नाजरीन, पाकिस्तान से बाहर भारत, तमाम मुत्तहिदा अरब अमारात और तमाम खलीजी रियासतें, यूरोप और यूरोप से आगे, ख़ास तौर पर स्वीडन, इटली, तुर्की, सबको आमिर लियाकत का सलाम। वो जो हर लड़की के साथ छिछोर बन करता है। जी जी आता हूँ आपके पास भी आता हूँ आता। जी बाजी आपसे सवाल है, मेरी बहन ये बताएं कि वैसे तो इस्लाम में 3 शादियां जायज़ हैं, आपके कितने शोहर हैं? बदतमीज़, बंद करो कैमरा। कॉमेडी का बेताज बादशाह, डॉक्टरों का डॉक्टर, डॉक्टर अहमद लियाकत। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलिए नाजरीन हम शो का आगाज करते हैं। जी बाजी, बाजी से मैं सवाल करता हूँ। एक मिनट आराम से बैठिए, मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल, आपको कौन सा बर्गर चाहिए, 150 वाला, 107? लगता है नाजरीन ये किसी ने मेन्यू रख दिया है, ये पकड़ो, पता नहीं कौन सी दुकान का मेन्यू। तो बाजी मेरा आपसे सवाल है कि आप ये बताइए कि तू मेरी आहा, मैं तेरी आहा, मैं राजी तू राजी, तम्मा तम्मा रोगे। आमिर भाई ये क्या कर रहे हैं? एक तो खवातीन में जरा भी सबर नहीं, आप पहले मेरा डांस तो देख लीजिए। तम्मा तम्मा रोगे तम्मा, ये किस मूवी का गाना है? ऑप्शन भी दूंगा मैं आपको, ऑप्शन ए इंडियन मूवी का, ऑप्शन बी पाकिस्तानी मूवी का, ऑप्शन सी ये मूवी अभी तक बनी ही नहीं, ऑप्शन डी आपको नहीं पता, आप बताएं। ऑप्शन ए। वाह मेरी बहन ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है, तो इनको मैं देता हूँ एक करशीजा मिश्री की बोतल, लाइए। आमिर भाई वो तो खत्म हो गई है। ओके वैसे भी आपने जवाब गलत ही दिया था। तो नाजरीन सर आपसे कोई मिलने आया है। तो नाजरीन हमारे शो का वक़्त इख्तिताम पजीर होता है, तो हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज। कैसा दिया, दिया ना अच्छा? जी भाई। सर मैं ट्रोल न्यूज़ की तरफ से आया हूँ, मेरे डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी ऑफर है। चलिए बहुत उम्दा। यार भाई हाफिज रोड कहाँ है यार, वहाँ पे जाना है। हाफिज रोड, हाफिज रोड आमिर भाई ये आपको बताएगा, आप इधर से सीधा जाएं और आगे से पता नहीं लेफ्ट होना है या राइट होना है। राइट है मुझे लगता है, राइट। आपका जवाब दुरुस्त हुआ, मैं आपको देता हूँ एक अदद बाइक। ओए हमारे पास अपनी तो बाइक है नहीं, इसलिए तो हम पैदल आए हैं, चलो जल्दी करो। माजरत भाई जान माजरत। उम्र सारी जी आइए बैठिए। क्या हुआ? उफ यार क्या हुआ? अब कुदरती चीज है, बंदा रोकते हुए अच्छा तो नहीं ना लगता। मैं चाहता हूँ कि काम की बात करें पहले। जी जी मेरा जो शो है रमजान ट्रांसमिशन, मैं चाहता हूँ कि ये तुम होस्ट करो। ठीक है मैं होस्ट कर लूँगा, और मुझे रेटिंग चाहिए बस। ठीक है जी रेटिंग मिल जाएगी, आमिर लियाकत जो काम करता है वो दिली खलूस के साथ करता है। सही है फिर तो बहुत अच्छा है, तो कितने पैसे लोगे? खुदा की कसम आमिर लियाकत रमजान ट्रांसमिशन के पैसे नहीं लेता। और सर इसके हिस्से के भी मुझे दे देना। नहीं नहीं आपने मेरे पहले भी 150 देने हैं। आप मैं तो वैसे वो मजाक कर रहा था, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। ओ जाओ इसके कपड़े बदलवा के सेट लेके जा। देखो मैं क्या करता हूँ। ठीक है सर। A few moments later. हाँ ठीक है ठीक है। हाँ टाइम शुरू हो गया कर दस का। सर शो लाइव आ गया। सर देखे शो में तहलका मचा के रख दिया है।
वो ये क्या कर रहा है? वो मैंने तो उसे रेटिंग लिटाने का कहा था, ये खुद क्यों लेट रहा है? जल्दी से शो करो को यार, उसको लेके आओ मेरे पास। A few moments later. तमीज से जरा कपड़े तो सही तरह बदलने देते। जी। वो ये क्या कर रहे थे तुम? मैं जो भी करता हूँ गलती से नहीं करता, सोच समझ के करता हूँ। ओए ओए, मैं बर्बाद हो गया यार। तुमने मुझे बर्बाद किया है। तुम इसे लेके आए थे ना, अब तुम्हें मैं फायर करता हूँ। जाओ इसके साथ धक्के खाओ। पैक अप। मैं भी बर्बाद हो गया। क्या हुआ भाई? अच्छा बताओ तो सही, अब मैं पैसे कहाँ से कमाऊंगा? मीम्स बनाओ, पैसे कमाओ। काशा मेरे वालिद होते, काशा मेरे वालिद होते। बनाओ बनाओ मीम्स, बनाओ पैसा कमाओ। आपने बहुत बड़ा राज बताया। एक मिनट, अब बोले। मैं चाहता हूँ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया सुने और सब लोग पैसे कमाएं। तो नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मीम्स बना रहे हैं बनाइए, अच्छा लगता है मुझको। चलो आपका धंधा तो चल जाता है। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता। मेरा मतलब धंधा चलाइए चलाइए चलाइए, धंधा चलाओ पैसा कमाओ। अम्मी को खिलाओ, माँ को खिलाओ, माँ को खिलाओ। और बताओ, हराम काम करके मैं ये कमा कर लाया हूँ। मीम्स बनाओ पैसा कमाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी मैं करता हूँ गलती से नहीं करता, सोच समझ के करता। नाज़रीन, अभी अभी हमें एक ऐसी खबर पता चली है कि जिसके जरिए आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, और वो राज हमें बताया है आमिर लियाकत ने। तो अगर आप भी घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो मीम्स बनाएं पैसे कमाएं। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? One week later. वाह बेटा, तुम भी मीमर बन गए हो। मुझ पे मीम बना के इतने ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं तुमने। बनाओ बनाओ मीम्स, बनाओ बनाओ। लेकिन मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा दोगे? अच्छा अमर भाई, एक बार नागिन डांस दोबारा करके दिखाएंगे? ठीक है, लेकिन मुझे पैसे मिलने चाहिए। हाँ हाँ दूंगा मैं। नाज़रीन, रुलाने में अक्सर उन लोगों का याद होता है जो हमेशा कहते थे कि तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। अगर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।